दोस्तों, अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं, यानी भारतीय रेलवे में आप ट्रेन ड्राइवर के पद पर जाना चाहते हैं और उसके लिए आप आईटीआई करना चाहते हैं और आपको जानकारी चाहिए कि लोको पायलट बनने के लिए किस ट्रेड से आईटीआई करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक बगैर स्किप किए हुए देखना दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपांशु बाजपेयी और आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों जहाँ तक बात करें लोको पायलट की, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि आईटीआई करने का उनका उद्देश्य ही यही होता है कि मुझे भारतीय रेलवे में लोको पायलट के तौर पर जॉब करना है। बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा वाले भी होते हैं या डिग्री वाले भी होते हैं जिनकी प्रथम पसंद यानी प्रथम चॉइस होती है लोको पायलट यानी इंडियन लोको पायलट की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी लोको पायलट बनना चाहते हैं, वो आईटीआई करना चाहते हैं अथवा आईटीआई स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा कि लोको पायलट बनने के लिए किन किन ट्रेडों से आईटीआई करने के बाद आप लोको पायलट बन सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों जहाँ तक बात करें लोको पायलट की, तो लोको पायलट का जो पोस्ट, उसके लिए आपका हाईस्कूल पास करने के बाद दोस्तों SCVT अथवा NCVT से संबंधित आपका आईटीआई होना जरूरी है। उनमें कुछ चुनिंदा ट्रेडें हैं जैसे कि आर्मेचर एंड क्वाइल बाइंडर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, MMB यानी मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिलराइट यानी मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, RAC व टर्नर जैसी ट्रेडें, और उसमें आपका वायरमैन ट्रेड भी आता है। तो दोस्तों अगर आपने इन ट्रेडों से आईटीआई किया है, तब तो आप लोको पायलट पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने इन ट्रेडों से आईटीआई नहीं किया है, तो जो भारतीय रेलवे में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, उसके लिए ही आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने इन चुनिंदा ट्रेडों से, फिर से एक बार नाम लेना चाहूँगा, आर्मेचर एंड क्वाइल बाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक डीजल, MMB, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, RAC, टर्नर, वो वायरमैन ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है, तब भी आप लोको पायलट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अथवा आपने अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी इन ट्रेड से की है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC सर्टिफिकेट, यानी आईटीआई हाई स्कूल करने के बाद में किसी सरकारी अथवा प्राइवेट संस्थान से इन ट्रेडों से आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ली है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर से आपने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा 3 वर्ष का लिया है, तब भी आप लोको पायलट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने अगर संबंधित ब्रांच मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग की डिग्री BTEC यानी BE किया है, तब भी आप लोको पायलट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी कि अगर आप लोको पायलट पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और किन किन ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आप लोको पायलट बन सकते हैं। जाहिर है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार।